नमस्कार, मैं सुशीला राय डिमरी। वेलकम टू माय चैनल रोज की रसोई। आज मैं आपके साथ प्याज के लच्छेदार पकोड़े की सिंपल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले एक बाउल में प्याज को छीलकर पतला पतला लंबाई में काटकर अच्छे से मसल मसल कर मिक्स करना है। यहाँ मैंने 3 प्याज लिए हैं। प्याज की एक एक लेयर अलग हो जाए इसीलिए इसे अच्छे से मसलना होता है। लेयर अलग होने से ही प्याज के पकोड़े अच्छे बनते हैं और कुरकुरे बनते हैं। अब इसमें यहाँ मैंने 2 चम्मच बेसन डाल दिया है। प्याज के पकोड़ों में बेसन कम और प्याज ज़्यादा होनी चाहिए। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि प्याज में नमी होती है। उसी नमी से हमारे सारे मसाले अच्छे से मिक्स करने हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला और लास्ट में 1 चम्मच नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब पकौड़े हमारे तलने के लिए तैयार हैं। कढ़ाई में सरसों तेल डालकर गरम कर लिया है। सबसे पहले तेल हाई फ्लेम में ही रखना है। पकौड़े डालने पर गैस मीडियम फ्लेम पर रखनी है, नहीं तो पकौड़े ऊपर से लाल हो जाएंगे और अंदर से अच्छे से पक नहीं पाएंगे। बस अब हमारे पकौड़े तल रहे हैं। पकौड़ों को दोनों साइड से उलट पुलट कर फ्राई करना है। ये देखिए, कुरकुरे और क्रिस्पी पकौड़े खाने के लिए तैयार हैं। आजकल बरसात में तो ये प्याज के गर्मा गर्म पकौड़े चाय के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। पकौड़ों के साथ लाल चटनी, हरी चटनी या सॉस हो तो इसका मज़ा दुगना हो जाता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग रोज की रसोई।